दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, आज मैं हूँ अमर कॉलोनी में, ए ब्लॉक में, जहाँ पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो है वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और भारत का संविधान जो है इसी से ही पूरा भारत चलता है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान बना करके इस भारत को एक कानून दिया था, रूल रेगुलेशन दिए थे, वही संविधान था और इसी से ही पूरा भारत चलता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये कुछ लोग कहते हैं कि एक समुदाय का ये संविधान है या बाबा साहब ने पार्शलिटी की थी। मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि समाज भी इस संविधान दिवस को आज यहाँ पर मना रहा है अमर कॉलोनी में, और वाल्मीकि समाज ही नहीं, सब समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस संविधान दिवस को मनाया। आइए कुछ बात करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज़र दीपक जी से। दीपक जी, आपने संविधान दिवस मनाया, क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको कि आज आपको संविधान दिवस मनाना पड़ गया? सर, आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को फ्रेम किया था और संविधान को संविधान सभा को सौंपा था। संविधान हमारे बाबा साहब ने ही बनाया था, उसमें 7 मेंबर थे, क्योंकि प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और उस 1947 में उसमें 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में से कुछ लोग बाहर थे, कोई बीमार था, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया था, उसके बावजूद तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर ही इसकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने ही इस संविधान को फ्रेम किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, जिसमें हमें अधिकार मिलते हैं। अगर मैं बाबा साहब को बोलना चाहूँ तो मेरे लिए वो एक समता पुरुष है, जिन्होंने सबको, मानव को मानव बना दिया, इंसान को इंसान बना दिया और दलित वर्गों को अधिकार दिया। मैं ये देखता हूँ कि समाज में हमारे जो लोग हैं वो बाबा साहब को उस हिसाब से नहीं मान पा रहे हैं जो उन्हें मानना चाहिए था। तो इसलिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हमने इस संविधान दिवस को मनाया। जैसे जैसे अम्बेडकरवाद बढ़ेगा, समाज में इक्वलिटी आएगी, समाज की प्रोग्रेस होगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़ लिख कर समाज मजबूत होगा, और इस तरीके से इसीलिए हमने इस संविधान को मनाया। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि संविधान जो है, क्या वो एक ही समुदाय के लिए था या पूरे भारत के लोगों के लिए था? मिलेंद्र जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मिलेंद्र जी, जैसा कि आपने पूछा है कि संविधान एक ही वर्ग के लिए नहीं है, इस बात को हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह जी ने भी कहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, ये उन लोगों के लिए भी बनाया है जिन्होंने इस मनुव्यवस्था को देश में कायम किया, जो 5000 सालों से शोषण कर रहे थे, और ये उन लोगों के लिए भी बनाया है जो इसका शोषण हो रहे थे। जी, फर्क इतना है कि उन लोगों के को लो जो फायदा ज़्यादा संविधान से पहुंचा, जो लोग हजारों सालों से पीड़ित थे, उसमें जो इस देश के मूल निवासी हैं SC ST OBC, ये धर्मनिरपेक्ष जो धर्म कन्वर्टेड है, मुस्लिम हो, सिख हो, ये कोई भी धर्म से संबंधित हो, उनको सभी का अधिकार बाबा साहब ने दिया है इस संविधान के प्रति। जी सर, जी बिल्कुल। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या संविधान जो कहता है कि सब लोग समान है, तो संविधान लागू होने से सब लोग समानता में आए हैं या नहीं आए अभी तक? नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा बड़े भाई हमारे दीपक जी का, इन्होंने जो है अपने क्षेत्र में और आज हमारे क्षेत्र में पहली बार इतना अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा आज संविधान दिवस मनाया गया है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बड़े भाई का भी धन्यवाद देता हूँ कि भैया ने आज इस हमारे जो क्षेत्र में आज पहला ये ऐसा कदम उठाया है। बाकी समानता आई है, समानता तो बहुत ज़्यादा आई है। समानता ही देखिए, समानता इसलिए आई है कि देखो हर वर्गों का आज जो है सम्मान मिला है और हर वर्ग के लिए हम संविधान जो बाबा साहब ने जो है लिखा है कि हर वर्ग को मजबूती मिली है। बिल्कुल, मजबूती की बात करें तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ये भी कह रही हैं कि संविधान को बदलना है। क्या भारत का संविधान बदल देना चाहिए या जो चल रहा है ये बहुत अच्छा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो मनुवादी ताकतें हैं जो कहते हैं कि संविधान के प्रारूप को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे, जब तक आप जैसे, हम जैसे, दीपक भाई जैसे लोग विद्वान हैं हमारे समाज में, संविधान का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसी कुछ बात हो जाती है तो क्या आपका क्या स्टैंड रहेगा? तो हम सड़कों पर उतर आएंगे और जो हमसे बन सकेगा हम वो संविधान को बचाने के लिए करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि संविधान बचाने के लिए हम लोग बात तो कर रहे हैं, संसद की भी बात कर रहे थे, संसद बदल गया, हो सकता है राजनीतिक पार्टियाँ संविधान को भी चेंज कर दें।
ऐसा ये टोटली जो मिथ है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे संविधान की जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली टू रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन। जब संविधान की प्रीएम्बल में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिससे दूसरे समाज को कभी परेशानी पहुंचे, तो ऐसे संविधान को बदलने की बात जो पूर्ण टोटली मिथ है। लेकिन अगर ऐसी मनुवादी व्यवस्था ऐसा काम करने की सोच भी रही है तो उनकी भूल है, क्योंकि उन्हें समाज की ताकत का नहीं पता कि जब संविधान जब आपने 1989 एट्रोसिटी एक्ट छोटा सा सुधार उसमें तो अपने थोड़ा फेरबदल किया था, उसके देखते हुए रोड पे कितनी जनसंख्या में लोग थे अगर 2 अप्रैल को। लेकिन अगर संविधान बदलने की बात आती है ना, तो इस आप जानते नहीं कि संसद से लेकर और रोड तक जो मारामारी होगी ना, जिस तरीके से हम संवैधानिक तरीके से हम अपने उसको विरोध करेंगे उस चीज़ का, तो वो देखने लायक होगा। लेकिन सबसे पहले यही समझने की बात है, जैसे कि आज भाई ने प्रोग्राम किया, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं बोलना चाहता लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है इस चीज़ का। आज ये इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा संविधान दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि भाई एक अम्बेडकरवाद के प्रति ऐसा अवेयरनेस हो रही है। लेकिन यहाँ पे जिस लोगों को हमारे बच्चों को जो कैच कर रखा है वो किन संगठनों ने कर रखा है? हिंदू संगठनों ने, और हिंदू रक्षा दल हुए, ये जितने भी विश्व हिंदू परिषद हुए, बजरंग दल हुए, ये लगातार यहाँ पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमारे समाज के बच्चों को ये हायर कर रहे हैं, और खूब हमारे लोग जाते भी उनमें, खूब जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं वहाँ पे। वो क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको अपनी राजनीतिक सत्ता पाले और राजनीतिक रोटी सेक सके। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा जो कार्य जो आज हम यहाँ तक पहुँचे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से पहुँचे, उस संविधान की वजह से पहुँचे, तो आपको समझना पड़ेगा और हमारे समाज की युवाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज की स्थिति आज भी बहुत खराब है। इसको देखते हुए क्यों? क्योंकि वह आज भी जो इस आइडियोलॉजी के प्रति, हिंदू आइडियोलॉजी के प्रति जो अपना आपको जो बता रहा है कि मैं हिंदू आइडियोलॉजी के प्रति मैं बड़ा एक्वायर, क्योंकि उस वो टैग जो जुड़ा हुआ है जो वाल्मीकि वाला, उसकी वजह से वो बहुत उनको अपना आपको अटैच मानते हैं। क्योंकि उनको अगर यहाँ, क्योंकि जैसे पंजाब में और तरीका देखोगे कि वाल्मीकि को मानने का वहाँ पर तरीका गुरु वाला है, लेकिन यहाँ पर मानने का तरीका क्यों जय श्री राम के साथ बोलना पड़ेगा? तो ये जो तरीका है बहुत ही गलत है, क्योंकि वहाँ पर जिस दिन हम दिवाली मना रहे थे तो पंजाब के जो वाल्मीकि लोग थे वो शंभुक वध कर शहीद दिवस मना रहे थे। तो ये भी फर्क है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण उन्होंने पढ़ी नहीं है ठीक से, वाल्मीकि रामायण क्या चीज़ है। तो यही है कि ऐसे संविधान दिवस के प्रोग्राम हमारे निरंतर यहाँ पर होने चाहिए, और हमारे समाज के बच्चों को, और मेन चीज़ में खास भूमिका जो आज जो निभा रहा है आजकल जो अम्बेडकरवाद जो आंदोलन चला रहा है, बहुजन मूवमेंट चला रहा है, जाटो समाज को भी वाल्मीकि समाज के प्रति अपनी निष्ठा भावना रखनी पड़ेगी, तभी समाज को लोगों को हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज भी अगर SC में देखा जाए तो सबसे पहले ये 2 पर्टिकुलर कास्ट का सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन आज जो जाटो समाज जो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि उसमें बाबा साहब को थोड़ा सीमित करके रखा है, वो ना करे और अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये भावना रखे कि जाट और वाल्मीकि में कोई भेदभाव नहीं है, वो अलग नहीं है, वो चाचा ताऊ के बच्चे हैं, और उसको लेकर बहुजन मूवमेंट को लेकर आगे चले और समाज को लेकर आगे चले, जो बहुत जरूरी है। रोटी बेटी का सबसे मेन चीज़ जो सबसे मेन और खास रिश्ता है वो रोटी बेटी का संबंध हमें बनानी चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। धन्यवाद। बिल्कुल, बाबा साहब ने भी कहा था कि अंतर जातीय विवाह करना चाहिए जिससे कि समानता आए और ये जाति जो है वो खत्म हो जाए। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि जातियों में हमें डाल दिया गया है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जाति सिर्फ 3 कर दी थी, 6643 जातियों में से 3 जाति बनाई थी, SC ST और OBC, इसके अलावा और कोई जाति नहीं थी। पर यहाँ पर मनुवादियों ने, जो भी कहते हैं कि मनुवादियों ने यहाँ पर 6000 जातियों में ही SCO को बांट दिया आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए, पर संविधान में इनको सबको एक कर दिया। क्या ये बात सही है कि अगर हम संविधान के अनुसार चलें तो किसी भी जाति और किसी भी धर्म में हम शादी भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये ज़रूरी है और ये हो सकता है, क्योंकि संविधान ने ये अधिकार हमको दिया है कि अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानते तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हम शादी कर सकते हैं और अपने तरीका जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर संविधान के जैसे खतरा आया, जिस तरह से लोग इसको अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले दिनों जिस तरह से जो समाज से जुड़े हुए कानून हैं उनमें बदलाव की बात की गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो मूल्य है उसका हनन हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। अब सवाल ये होता है कि वो इस तरह से हो रहा है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन आम आदमी समझ रहा है। तो ऐसे में जैसे ये दीपक भाई ने ये प्रोग्राम किया है संविधान की अवेयरनेस को लेकर यहाँ पे, और इस गली मोहल्ले में यहाँ पे किया है, काफ़ी लोग यहाँ पे संविधान पे बातचीत करके गए हैं, तो एक अवेयरनेस फैलाना, एक शिक्षा देना संविधान के बारे में कि संविधान क्या है और समाज उसके अनुकूल कैसे होना चाहिए, आपके जो अधिकार हैं उसका हनन कैसे हो रहा है और उसमें बचाव आपको कैसे करना है, यहाँ पर बताया गया, समझाया गया। तो इस तरह के प्रोग्रामों की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए, तभी हम अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। दीपक जी, मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ,
आप लोगों को अवेयर भी करते हैं, टीचिंग भी देते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके पढ़ाए हुए जो हैं वो गवर्नमेंट जॉबों में अलग अलग पदों पे पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कि शिक्षा के साथ साथ संविधान भी घर में पढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं संविधान को पढ़ाता भी हूँ, मैं पॉलिटी पर भी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और बच्चों को अंबेडकरवाद विचारधारा से अवगत भी कराता हूँ। मैं समय समय पर उनको डोज देता रहता हूँ जिससे उनके अंदर अंबेडकरवाद पैदा हो और लोगों में समानता का व्यवहार लोगों को करे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज संविधान दिवस है, बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी ने आज ही के दिन संविधान लिख करके जो गवर्नमेंट थी उसको सौंपा था, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जिन्ना और इत्यादि बहुत सारे लोग थे जिनको संविधान आज के दिन सौंपा गया था और 26 जनवरी को उसे लागू भी कर दिया था। मैं फिर से आपको यही बात बताना चाहूँगा कि नेल्सन मंडेला और ओबामा ने भी यही कहा था, जापान के भी लोगों ने ये कहा था कि अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिंदा होते तो अपने भारत का संविधान उन्हीं से लिखवाते। ये हमारे पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि कोई दूसरे देश जो है, जो सुप्रीम पावर कहलाती हैं देशों में, वो लोग भी बाबा साहब का लोहा मानते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, आपको संविधान दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।